गाइज आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टूडेज वीडियो इज़ अबाउट स्पोकन इंग्लिश, सो लेट्स गेट राइट इन टू द वीडियो। एनी टाइम यू स्पेंड ऑन योर इंग्लिश शुड बी सीन एज एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर फ्लुएंसी। द अमाउंट ऑफ टाइम यू चूज टू इन्वेस्ट इन योर इंग्लिश शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। आई मीन इफ यू स्पेंड 99% ऑफ योर टाइम स्पीकिंग योर मदर टंग एंड ओनली 1% इज लेफ्ट फॉर इंग्लिश। यदि आप बाकी समय इंग्लिश नहीं बोलते हो, कोई और, यू आर स्पीकिंग अदर लैंग्वेज योर मदर टंग एंड यू आर थिंकिंग लाइक यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, तो ऐसा नहीं होता है। यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम इन दिस लैंग्वेज बिकॉज यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। एंड द सेकेंड थिंग इज लाइक स्टॉप थिंकिंग ऑफ इंग्लिश एज अ टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप प्रैक्टिकल वे में भी देख सकते हो कि इंग्लिश जो है हमारे लाइफ में किस तरह से एक इसका एक इम्पोर्टेंस है। एंड द सेकेंड थिंग इज लाइक वाई लिमिट योर सेल्फ टू जस्ट अ ट्रेडिशनल स्कूल में जो पढ़ाई होता है उसी तक क्यों सीमित रखें। एंड इंग्लिश इज नो नेवर गोइंग टू बी बोरिंग इफ़ यू स्टडी विथ मटेरियल्स डैट इज़ रेलिवेंट एंड इंटरेस्टेड टू यू। देर आर मैनी थिंग्स यू कैन डू विथ योर मॉर्निंग रूटीन। यू कैन रीड ऑनलाइन कंटेंट इन इंग्लिश। यू कैन ऑल्सो वॉच इंग्लिश आई मीन मोटिवेशनल स्पीचेज। सो दीज आर द थिंग्स विच विल रियली हेल्प यू अलॉट। एंड आई हैव ऑलरेडी सेड सो मैनी टाइम्स लाइक ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। वन ऑफ द बेस्ट थिंग हाउ टू टॉक वेरी फ्लुएंटली इन इंग्लिश इज टू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। यस यस इट मे सीम सिली, बड़ा थोड़ा ये बेवकूफ़ी लगता है खुद से बात करना, लेकिन इट इज़ अ ग्रेट वे आई मीन इट इज़ अ ग्रेट वे टू बिकम वेरी फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। एंड यू ऑल्सो सी डैट लाइक यू हैव स्टार्टेड यूजिंग वोकैबुलरी प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। सो सेल्फ टॉक फोर्सेस यू टू स्लो डाउन एंड थिंक लाइक वॉट यू आर सेइंग। कीप एन इंग्लिश जर्नल, यानी कि आप डायरी लिखिए। राइटिंग इन अ जर्नल इज अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। द बेस्ट थिंग इज टू डू स्टार्ट अ जर्नल। ऑल यू नीड टू डू स्टार्ट राइटिंग ऑल योर थॉट इन इंग्लिश। जो भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं उसे आप पेपर पर लिखिए और उसे इंग्लिश में ही लिखिए। एंड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली यू मस्ट ऑल्सो स्पेंड एन आवर और टू एवरी डे। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आपको अपना समय निकालना पड़ेगा इसके लिए। एंड रीडिंग इज़ द की टू लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ नो एक्सेप्शन। आई थिंक द मोर यू रीड द मोर एफिशियंट यू बिकम एट स्पीकिंग। सेट अ डेली टारगेट फॉर योर सेल्फ। बी कॉन्फिडेंट एंड फॉलो द एवव टिप्स ऑन हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट। आई बेग यू कि थोड़ा मेहनत लगता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू।